I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Yes? Johnny said. Kaun, Kalia? Haan. Main tumse milna chahta hoon. Kab? Aur kahan? Jab aur jahan tum chahte ho, Kalia. इस वक्त 10 बजे मड आइलैंड के टूटे हुए गिरजे के सामने 11 बजे मिल सकते हैं। क्यों नहीं, पहले तुम आ गए लेकिन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखोगे। ठीक है। रावत, मेरी गाड़ी निकालो। अभी लाता हूं शानी सेट। लेकिन आज गाड़ी तुम नहीं चलाओगे, हम खुद चलाएंगे, क्योंकि जहां हमें आज जाना है अकेले जाना है। आज मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं शानी सेठ, जो तुमने रवानी सेठ के साथ किया था। अपनी दुनिया का दस्तूर है, यहां ना कुर्सी दी जाती है न ली जाती है, सिर्फ छीनी जाती है। ये क्या, आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं शानी सेठ? शायद इस साथी की जरूरत पड़ गई। वेरी गुड, आई लाइक दैट। तुम्हारी हरकत देखकर हमारा इरादा बदल गया। अब तुम और तुम्हारा साथी दोनों मेरे साथ जाएंगे। कम, ड्राइव माय कार। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम बॉय। क्या बात है रावत, तुम बार बार घड़ी क्यों देखते हो? जी, ड्राइवर की नजर सड़क पर रहनी चाहिए। सर जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि गाड़ी एयर कंडीशन है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। बात क्या है रावत? नहीं, कोई बात नहीं। रावत, गाड़ी रोको, बॉनेट खोलो रावत। तुम हमें मारना चाहते थे बरखुरदार, तो कोई नई चाल सोची होती। जो खेल तुमने खेला है, इस खेल के तो हम पुराने उस्ताद हैं।
शानी सेठ, मेरे और अपने दरमियान एक खून की लकीर खींची थी तुमने, जो या तो तुम्हारी मौत पे खत्म होती थी या मेरी मौत पे खत्म होती। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैंने वो खून की लकीर को खुद मिटा दिया। तुम्हारी मौत की घड़ी तो बहुत नजदीक आ चुकी थी। दुआएं दोस्त हाथ को जिसने घड़ी की सुई को पीछे मोड़ दिया। मगर यह मत समझना कि मैं तुमसे हार गया हूं। आज मैं तुम्हारे सामने हथियार डाल नहीं रहा हूं, ठीक। मगर सानी सेठ, डरना उस दिन से जिस दिन तुम मुझे हथियार उठाने के लिए मजबूर करोगे। अदालत खून की सारी कहानी सुन चुकी है और दोनों तरफ की शहादतें भी। मुल्ज़िम ने खुद मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मक्तूल की लाश मिली तो कहां मिली? कातिल के बाजुओं में। चाकू पे जो निशान थे वो किसके थे? मुल्ज़िम की उंगलियों के। खून के धब्बे मिले तो कहां मिले? मुल्ज़िम के कपड़ों पे। इन कपड़ों को देखने के बाद इस पे शक नहीं रह जाता कि इस पेशावर मुजरिम ने सचमुच खून की होली खेली है। और मुझे अदालत को यह बताने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसा खूनी किस सजा का हकदार होता है। That's all, Your Honor. ऐसा खूनी मौत की सजा का हकदार होता है, लेकिन जुर्म साबित होना चाहिए। मिलॉर्ड, हमारे देश का कानून और इंसाफ दोनों इस बुनियाद पर खड़े हैं कि कटहरे में खड़ा हुआ मुल्जिम उस वक्त तक मुजरिम नहीं माना जा सकता जब तक जुर्म साबित नहीं कर दिया जाता। मेरे काबिल दोस्त ने जो गवाह पेश किए उनमें से एक गवाह भी मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। किसी ने खून से पहले के किस्से कहे तो किसी ने खून के बाद की दास्तां सुनाई। खून के मुकदमे में सबसे कीमती बयान उस गवाह का माना जाता है जिसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा। जब तक ऐसा गवाह पेश नहीं किया जाता तब तक मुल्जिम उस सजा का हकदार नहीं हो सकता जो सजा मेरे दोस्त मुल्जिम के लिए मांग रहे हैं। मैं अपने फाजिल दोस्त की बात की तायद करता हूं। कत्ल के मुकदमे में चश्मदीद गवाह की बहुत बड़ी कीमत होती है। मुझे अफसोस है इससे पहले मैं ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर सका, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसा गवाह पेश कर सकता हूं। यह वो गवाह है जो खून के वक्त वहां मौजूद था और जिसने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या आप बता सकती हैं कि मुल्जिम से आपका क्या रिश्ता है? देवर भाभी का। क्या ये सच है कि आप अपने देवर को अपने बेटे से बढ़कर मानती थी? अब भी मानती हूं। फिर भी आप कह सकती हैं कि आपने खून होते हुए देखा और इसे करते हुए देखा? जी हाँ। मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना। योर विटनेस। वकील साहब, आप मेरी भाभी से कुछ नहीं पूछेंगे। जिन होठों ने यह बयान दिया है उन होठों से निकली हुई आवाज को मैं हमेशा भगवान की आवाज समझता हूं और अब भी समझता हूं।
मेरी भाभी ने जिंदगी में हमेशा सच कहा है, सच के सिवा और कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे यह खून करते हुए देखा है तो मैंने किया है यह खून। इसके बाद मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इकबाल जुर्म करना चाहता हूं और मैं इकबाल जुर्म करता हूं। यह खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कालिया। मैंने तुम्हें समझाया था कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई जिस सड़क पर तुम दौड़ रहे हो वो फांसी के तख्ते पे खत्म होती है। फांसी के जिस तख्ते से आप मुझे डरा रहे हैं जेलर साहब, वो मैंने खुद चुना है। मेरी मौत का फैसला तो जज ने सिर्फ लिखा है, लेकिन उस फैसले पे जिसने मोहर लगाई है मैं अभी उसे भगवान की तरह पूछता हूँ। मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की है, तुमने जो कहा मैंने अदालत में कह दिया, अब तो मेरी बेटी वापस कर दो। अभी तो सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई है, जब तक कालिया फांसी के तख्ते पे झूल नहीं जाता मैं तुम्हारी बेटी वापस नहीं कर सकता। ये क्या है? तुम्हारे कल्लू का कफन लाई हूं। वो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली? उसने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया और तुमने उसे कहां से कहां तक पहुंचा दिया? उसने तुम्हें क्या नहीं दिया था जो उसके दुश्मनों ने तुम्हें दिया है? मैं पूछने आई हूं, मौत की मंडी में तुमने कल्लू की जान कितने में बेची है? बस करो शालिनी, बस करो, मैं पूछ के रहूंगी। सोने की भूख का वो जो कुआं तुम्हारे अंदर है वो कितना गहरा है जो सिर्फ कल्लू की मौत या उसकी लाश से भर सकता है? नहीं नहीं शालिनी, हो सके तो ये कफन मुझे ही पहना दो और मुझे जिंदा ही बिठा दो जलती हुई चिता पे। मैं इसी सजा की हकदार हूँ। मैं तो इस जहां से भी गई और उस जहां से भी गई, मेरा कल्लू काल कोठरी में पड़ा है और मेरी बेटी के गले पे अब तक शानी सेठ की छुरी धरी हुई है। क्या भाभी ने जो किया वो ठीक किया है शालिनी? शानी सेठ ने जो कहानी शुरू की वो यहां खत्म ही होती, यहां से शुरू होती है। कहानी का पहला शब्द उसने लिखा है, आखिरी लफ्ज मैं लिखूंगा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मुलाकात खत्म हो सकती है, वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता। बड़ी ऊंची छलांग लगाई है कालिया। रघुबीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम पहुंच गए हो आज, इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा।
आजादी हर कैदी का ख्वाब होती है, लेकिन अभी अभी तुम्हारे अंदर खून की हर बूंद और बार तुम्हारे शरीर का रोम चीखेगा और कहेगा, कालिया तुमने ये ख्वाब देखा तो क्यों देखा। इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे? इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.